जो भी प्रॉब्लम मिली हैं उनको सॉल्व करेंगे। मेन चिंता है जो ड्रोन वगैरह आ रहे हैं उनसे जो ड्रग्स है, तो हमने मुझे पूछी है इस बात को। जब मैं पहले आया था तो मैंने सजेशन दिया था कि हर गांव में सुरक्षा समिति बने। देखो ना गल की आ कि जो पाकिस्तान अपनी हरकतों तो ना बाज आया तो उन्होंने मूँह दिखानी पेगी, उन्होंने सबक सिखाना। एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक तरह से अघोषित छुपा हुआ जी, अब वो डायरेक्ट तो हमारे से लड़ाई लड़ नहीं सकता जी, युद्ध कर नहीं सकता जी, तो उसने क्या करना, हमारी जनरेशन को ख़राब करना जी। तो नई पीढ़ी पर ये ड्रग्स वगैरह देके माफियाज वगैरह जमा करके ये कर रहे हैं, उसको हमको चैलेंज करना है, उसको सक्सेस नहीं होना है, उसको डिफीट करना है। कि आप जो ड्रोन नू कंट्रोल नहीं कर सकते, या ये जिहड़े लोग ने बार्डर ते वसे लोग ने इन्हां ने 65-71 दीआं जंगां देखीआं ने, अज इहनू जंग दा अखाड़ा ना बनाओ, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट लाओ बार्डर दे उत्ते कि जिहदा ड्रोन जाए नाल दी नाल कंट्रोल हो जाए, खत्म हो जाए। जिला गुरदासपुर के सरहदी पिंड धर्मकोट रंधावा विखे लगाए गए आबाद कैंप च पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित विशेष तौर ते पहुंचे अते ओह सरहदी पिंडां दे सरपंचां ते विलेज डिफेंस कमेटी दे मैंबरां दे रूबरू होए। इस मौके उन्हां नाल पंजाब सरकार दे मुख सकत्तर DJP पंजाब अते होर आला अधिकारी शामिल सन। उत्थे ही राजपाल वालों सरहदी पिंडां दे सरपंचां ते महत्वपूर्ण व्यक्तियां नूं संबोधित करदिआं कहा कि पंजाब सरहदी सूबा होण कारण सुरक्षा दे लिहाज तों बहुत अहम है। उन्हां कहा कि गुआंढी देश पाकिस्तान हमेशा ही पंजाब अते देश विच गड़बड़ करन दी फिराक विच रहिंदा है अते दुश्मन दे अजिहे सूबिआं नूं नकाम करन लई सानूं होर वी चौकस होण दी लोड़ है। अगे गलबात करदिआं राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने की कहा, सुणदे हां उन्हां तों। आपने मेरी बात तो सुन ली है जी, मैंने लोगों से मुलाकात की है जी, उनसे बातचीत की है जी, उनकी कुछ जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे जी। हमारे साथ में हम आए हैं जी, चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं, DGP साहब भी हैं जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारे राजभवन के हैं, तो जो भी प्रॉब्लम मिली हैं जी उनको सॉल्व करेंगे। मेन चिंता है कि जो ड्रोन वगैरह आ रहे हैं जी, उनसे जो ड्रग्स है जी, तो हमने मुझे खुशी है इस बात की। जब मैं पहले आया था तो मैंने सजेशन दिया था जी कि हर गांव में सुरक्षा समिति बने जी, तो हमारे यहाँ के DC उन्होंने खबर दी है, वेरी एक्टिव ये DC बहुत अच्छा काम किया इन्होंने DC साहब ने, और हर गांव के अंदर 11-11 मेंबर की जी उन्होंने सुरक्षा समिति बन गई, वो चौकस रहेगी, इस पर लगाम आएगा, जो गलत लोग हैं यदि गलत धंधे में लगे हैं वो पकड़े जाएंगे, उन पे एक्शन भी होगा। ये बात सर, पंजाब सरकार लगातार आपसे भी बात में, अभी आप जो बॉर्डर एरिया का क्यों मतलब दौरा कर रहे हैं उनको, इससे क्या राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है जी, प्रश्न छोटा मोटा नहीं है जी, देश की सुरक्षा का है, नई पीढ़ी का सवाल है। एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक तरह से अघोषित छिपा हुआ जी, अब वो डायरेक्ट तो हमारे से लड़ाई लड़ नहीं सकता जी, युद्ध कर नहीं सकता जी, तो उसने क्या करना, हमारी जनरेशन को ख़राब करना जी, तो नई पीढ़ी पर ये ड्रग्स वगैरह देके माफियाज वगैरह जमा करके ये कर रहे हैं, उसको हमको चैलेंज करना है, उसको सक्सेस नहीं होना है, उसको डिफीट करना है। सर नशा तस्कर से आप उधर आम आदमी पार्टी दे हल्का डेरा बाबा नानक दे इंचार्ज गुरदेव सिंह रंधावा ने की कहा, आओ सुनते हैं उन्होंने। तो कीती आ के पिंडां च कमेटियां बना के तां इहदे बारे दसो। एक उन्हें गल की आ कि जे पाकिस्तान अपनी हरकतों तो ना बाज आया तो उन्होंने मूँह दिखानी पेगी, उन्होंने सबक सिखाना। वो मसले च मैं गृह मंत्री दे नाल प्रधानमंत्री ने गल करनी है, तो मैं उस टाइम कहा कि ये काम नहीं करना चाहिए, कि आप जे ड्रोन नू कंट्रोल नहीं कर सकते, या ये जिहड़े लोग ने बार्डर ते वसे लोग ने इन्हां ने 65-71 दीआं जंगां देखीआं ने, अज इहनू जंग दा अखाड़ा ना बनाओ, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट लाओ बार्डर दे उत्ते कि जिहदा ड्रोन जाए नाल दी नाल कंट्रोल हो जाए, खत्म हो जाए। ये मैं कहा सिर्फ लगता कि पंजाब च क्यों इन्ना हाई फाई हो रहा, इहनू नशे नू करन रहे ने, कि जे एंड के राही नशा नहीं आउंदा,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਆਉਣ ਡਿਆ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਕਵੰਟਰ ਨਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਤੇ ਮਗਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੇਖੋ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੁਹਿਰਦ ਵੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਲਗਾਅ ਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾ ਸਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਦ ਇਵਨ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ